नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। द्वितीय चरण के चुनाव को संपन्न कराने हेतु मारती पुलिस लाइन से फोर्स को इटावा के लिए रवाना किया गया है। साथ ही साथ पुलिस लाइन से 1000 पुलिस कर्मियों को बस में बैठाकर हरी झंडी दिखाकर इटावा के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ी बात तो ये है कि इटावा में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ वही पुलिस कर्मियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और साबुन भी वितरित किया गया है। वितरण प्रक्रिया के तत्पश्चात ही SP केशव कुमार चौधरी के दिशा निर्देश पाते ही पुलिसकर्मी और जवान इटावा के लिए रवाना हो गए थे। जी सर, कितनी फोर्स रवाना हुई है सर इटावा के लिए? जनपद इटावा में द्वितीय चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए जनपद कानपुर देहात से लगभग 1000 फोर्स की ड्यूटी लगी है, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर से लेकर और कॉन्स्टेबल तक, इन सभी को रवाना किया गया है। युवा वहाँ शांतिपूर्ण निष्पक्ष और सुपन मतदान संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, निर्देश किया गया है कि वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है और उन सभी को कोविड-19 के संक्रमण से स्वयं को बचे रहने के लिए प्रेरित किया गया है और जो है सैनिटाइजर, मास्क, फेस कवर आदि जो है ग्रहण करने के लिए बताया गया है और प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए निर्देश किया गया है।